और चलिए रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, जहां सीएम धामी ने एक बार फिर से जीत का दावा किया है। भारी बहुमत से केदारनाथ उपचुनाव जीतेगी बीजेपी। आशा नौटियाल बीजेपी की अनुभवी उम्मीदवार हैं। दो दशक से इस क्षेत्र की सेवा में लगी हुई हैं आशा नौटियाल। पीएम मोदी की अपार आस्था और विश्वास का केंद्र है ये धाम। यहाँ हो रहे विकास के बहुत सारे काम, जिसके कारण जनता विकास की गति को रुकने नहीं देगी और नतीजन बीजेपी केदारनाथ उपचुनाव को जीतेगी। तो केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव को लेकर सिर्फ 3 दिनों का समय बाकी हो और ऐसे में बीजेपी लगातार अपनी जीत का दावा कर रही है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि यहां की जनता विकास की गति को रुकने नहीं देगी। श्री केदारनाथ विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। आशा नौटियाल जी जो हमारी प्रत्याशी हैं, उनका एक लंबा अनुभव भी है। 2 दशक से 3 दशक से ज्यादा समय से वो इस क्षेत्र की सेवा करती रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की अगाध श्रद्धा और विश्वास का केंद्र हमारे बाबा केदार का धाम है। उस केदार धाम को नवनिर्माण और पुनर्निर्माण उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। अब भव्य केदार और दिव्य केदार बन रहा है। 2000 करोड़ से अधिक की योजनाएं वहां पर चल रही हैं और पूरे केदारनाथ विधानसभा का विकास भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 750 करोड़ की योजनाएं तो अभी जो आपदा आई थी उसके बाद यहां स्वीकृत हुई हैं। यहां पर उनके शासनादेश निकले हैं। तो ये विकास का जो क्रम है ये हमारी यहां की जनता उसको रुकने नहीं देगी, उस क्रम को बढ़ाएगी, उसकी गति को बढ़ाएगी और ऐतिहासिक विजय दिलाएगी।